तो गाइज आप सभी का स्वागत है रन सिमुलेटर के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। और पिछले एपिसोड के अंदर गाइज मैंने ये वाली चीज कंप्लीट कर दी थी, अपने जो पिक था उसको मैंने बेच दिया था। उससे मेरे को गाइज काफी मोटा पैसा मिला था, मेरे को $1200 मिले थे, जिससे गाइज मैं और वाला सामान लिया था थोड़ा बहुत, जिससे मेरे पास अब काफी कम पैसे। ओ भाई ये देखो भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, भाई देखो क्या दिल चल रहे हैं भाई, मतलब पूरा सीन चल रहा है यहाँ पे। तो भाई अब अपने पास काफी सारे बच्चे और आने वाले हैं, इसका मतलब ये है भाई। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेल पिक बड़ा होगा ना उसको भाई उसी वक्त भेज दूंगा। ये देखो यहाँ पे कितने दिल बना रहे हैं, अरे भाई शर्म करो कुछ। यहाँ पर मैं इसको गोबर को पहले साफ कर देता हूँ, इनके इन्होंने बहुत ज्यादा गोबर भर दिया। अरे भाई अटक के क्या हो गया इसके, अरे भाई इसके क्या हो गया, देखो भाई करंट लग रहा है तेरे को। जा भाई इसको सही करते हैं, कहीं मर जाए करंट से। गोबर को साफ करो यहाँ पे, जितना भी गोबर पड़ा भाई, ये देखो तीन तीन गोबर एक साथ कर रहे हैं यार ये। ये देखो यहाँ पर भी तीन गोबर एक साथ, अरे फिर क्या हो गया इसके, फिर अटक गई है। इधर आया तू यार इसके, मेरे को अब मेल पिक्स को बेचना पड़ेगा, मेरे पास पैसे की भी कमी हो रखी है। और अब काफ़ी सारे मेल पिक बड़े बड़े हो, भाई ये देखो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं सारे मेल पिक। तो मैं काम करता हूँ, जितने भी मेल पिक हैं उन सभी को ले जाऊँगा मैं। और खाना भाई भरा हुआ है इसके अंदर अभी, और फूड भाई पानी भरना पड़ेगा मेरे को, पानी भरना पड़ेगा। इस बोरे को वैसे कोई काम नहीं है अभी फिलहाल, मैं इसको यहीं रख देता हूँ, क्योंकि इस बोरे का अब काम ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ये वाली जो चीज़ थी इसको कंप्लीट कर दिया है, और ये मैंने भर दी है। वैसे तो इसके अंदर मेरे को पता नहीं ऑटोमेटिक भरेगा या नहीं भरेगा, अभी तक तो इसके अंदर 14 पड़ा है, और मैं थोड़ा सा इंतजार करके देखूंगा कि इससे ऑटोमेटिक भरता है या नहीं भरता, वरना तो एक चमकी नहीं है भाई चीज़। तो गाइज़ ये वाली चीज़ अपने को कंप्लीट करनी थी, जो मैं नए पिक बेचूंगा ना उनको उनसे बनाऊंगा ये वाली चीज़। और ये अपनों ने बनाया था काऊ के लिए, और आज हो सकेगा तो काऊ भी ले आएंगे, हो सकेगा क्या गाइज़ आज काऊ ले ही आते हैं। और मैं काम करता हूँ, लकड़ियाँ मैंने यहाँ पर जो रखी हुई हैं साइड में, इनको थोड़ा और साइड कर देता हूँ, और मेरी टेबल्स वहीं रखी हुई हैं दोनों, और लकड़ियाँ भी पड़ी हैं थोड़ी बहुत, काट देंगे कोई और बिल्ड बनाएंगे तब काटेंगे भाई। अब पहले मैं मेरी कार ढूंढ लेता हूँ, और मेरा गैस कैन तो शायद कार के अंदर ही लगा होगा, देखता हूँ मैं, शायद मैंने कहीं और रख दिया होगा। ये रहा यहीं पड़ा भाई, ये इसको इसमें रख देता हूँ। और अंडे चेक करते हैं भाई पहले अपने अपने पास, दोनों चूज़े भी आए थे, उन चूज़ों को चेक करते हैं पहले। तो भाई चूज़े, अरे चूज़े छोटे हैं क्या अभी तक? हाँ भाई चूज़े छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए, मुझे लगा बड़े हो गए होंगे। ये देखो भाई ये दोनों चूज़े रहे, एक ये रहा एक बोरा, उसके पीछे खड़ा एक ये रहा। तो अंडे चेक कर लेते हैं गाइस, अपने पास कोई अंडा है या नहीं है, और देख लेते हैं उनमें से कोई फर्टिलाइज आया फिर नहीं है, क्योंकि यार इनको शिफ्ट भी करना पड़ेगा ना मेरे को नए वाले के अंदर, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी ना। अभी जितने कम है उतने ही ठीक है। मैं काम करूँगा, अगर इनमें से कोई फर्टिलाइज होगा ना तो मैं उसको रख लूँगा, अभी इसके अंदर डालूंगा नहीं। पर यार ये बकेट के अंदर से ही, इसमें से बास्केट में से बाहर निकल के ना बच्चे बन के, तो दिक्कत आ जाएगी। इस वाले के अंदर सारे अंडे क्यों दे रखे हैं इन्होंने यार, बाकियों के अंदर क्यों नहीं दे रखे? चलो कोई ना, अपने इसको रख देता हूँ पहले, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कोई अंडा है या नहीं फर्टिलाइज इसके अंदर। ये देखो भाई मेरे को लगता है अगर मैं इसके अंदर नहीं रखूँगा ना ओवरस्कोप के अंदर, तो मेरे को दुकान पे जाके पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से फर्टिलाइज है या नहीं है कोई। इनको मैं रख देता हूँ चार, यहाँ पे छः अंडे हैं शायद तक मेरे पास, और इसको मैं करता हूँ ऑन। भाई मेरे को इसमें से कोई डिफरेंस पता नहीं चलता, और इनको मैं निकाल देता हूँ भी फिलहाल। इसको इसके अंदर दो अंडे और हैं, इनको मैं यहाँ रख देता हूँ टेबल के ऊपर, ये दोनों अंडे, और इसको मैं वापस डाल देता हूँ इन चारों अंडों को इसके अंदर। ये वाले चारों अंडे मैंने देख लिए हैं, और ये वाले दो अंडे बाकी हैं। अब इनमें से कोई फर्टिलाइज होगा तो मेरे को दुकान पे जाने के बाद शायद तक पता चल जाएगा कि इसमें से कोई फर्टिलाइज आया नहीं है। अरे भाई हाँ शुक्र है अंडे नहीं टूटे, मेरे को लगा अंडे टूट जाएंगे। तो गाइस अपने दोनों अंडे ये वाले भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और जल्दी से इनको रखता हूँ गाड़ी के अंदर। और मेरे को गाइस एक काम करना पड़ेगा, मेरे को ये जो विंड मिल है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पानी की कमी आने लगी है भाई, पानी की जरूरत पड़ने लगी है हर चीज़ के अंदर। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो एक बाल्टी पानी में डाल देता हूँ पिक वाले घर के अंदर, और चिकन्स का पानी मैं देख लेता हूँ भाई, भाई इनका भी पानी खत्म होने वाला है यार। अभी तो मैं कह रहा हूँ पहले विंड मिल कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक बाल्टी पानी पहले पिक वाले में डाल के आता हूँ, वो ज़्यादा जरूरी है। वैसे इनका पास में ही है यार, इसके अंदर डाल देता हूँ। चलो ये कंप्लीट हो गया, और इसके अंदर और पानी भर लेता हूँ। और ये जो मेरे पास पड़ा है लोगली, भाई क्या है ये लोगली जो भी है, इसके अंदर एक मेरी खाली हो चुकी है ये, इसको मैं बेच दूंगा, कोई काम का नहीं है ये। और ये अभी भर जाएगा साथ, भर जा भाई, ये भी खाली हो गया। अरे वाह भाई ये भी खाली हो गया यार, इन दोनों को बेचना पड़ेगा। और जितना पानी है अभी इतना डाल के आता हूँ पिक वाले घर के अंदर, क्योंकि भाई पिकों के लिए ज़्यादा जरूरी है पानी पूरी डालना। अब काफ़ी ज़्यादा पिक हो चुके हैं भाई, इनकी संख्या देखो यार कितने मोटे मोटे हो गए सारे। ओ भाई नए बच्चे आ गए क्या ये? अच्छा ये तो वही बच्चे हैं जो पिछले एपिसोड में आए थे, अभी और आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर चल रहा था भाई इनका सिस्टम, और इसके अंदर फूड पड़ा है 12, कोई दिक्कत नहीं है, फूड अपने मेरे ख्याल से अपने आप भर जाएगा इसके अंदर। नहीं भरेगा तो भी मेरे को लगता है इसके ऊपर एक क्लिक करने से भर जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है प्रेस ई टू फिल, ई से मतलब फिल हो जाएंगे सारे वापस। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या पता ऑटोमेटिक भर जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अपने काम से काम करते हैं, मैं इस बाल्टी को पहले घर के अंदर रख देता हूँ। और गाइस अपनी गाड़ी लेके चलते हैं जल्दी से जनरल स्टोर के ऊपर, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा यार पिकों को भी ले जाऊँ, एक दो पिकों को मैं देखता हूँ पहले इनमें से कोई पिक बड़ा हुआ या नहीं हुआ। इनमें से अगर कोई पिक बड़ा हो गया होगा ना भाई उसकी शामत आ जाएगी, आज मैं ले जाऊँगा उसको। एक काम करता हूँ पहले मैं इस गाड़ी को लगाता हूँ पीछे की तरफ, बिल्कुल सेट कर देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। ये लो भाई गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई अच्छे से। अब मैं देखता हूँ कोई पिक भाई बड़ा एकदम फुल हट्टा कट्टा कोई पिक हुआ तो भाई उसकी आज आखिरी दिन होगा उसका। अब ये फीमेल पिक है, ये भी फीमेल पिक है,
ये है मेल, लेकिन भाई ये छोटा है, ये देखो इसका साइज में फर्क देख लो, ये इतना है, ये इतनी है और ये छोटा है भाई इससे। तो अभी मेरे को इससे कम पैसे मिलेंगे ये। अरे इसके क्या हो जाता है, ये इसके दौरा क्यों आ रहा है भाई बार? ओ भाई गोबर कर दिया मेरे सामने ही। अच्छा गोबर करने के लिए आता भाई इनके दौरा। तो फीमेल पिक सारी मोटी मोटी हो रखी है और ये मेल पिक मेरे हिसाब से पता नहीं यार मेरे को इतना ही बड़ा होगा या इससे बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा टाइम और इंतजार करना चाहता हूँ, या तो या फिर मैं एक पिक को ले जाता हूँ यार, छोड़ो एक पिक को ले, एक पिक को लेके चलते हैं, क्योंकि पिछले पिक की हाईएस्ट कीमत जो थी वो 720 रुपये थी और मैं चेक करना चाहता हूँ इनमें से किसकी पिक, मतलब इनमें से किसी की कीमत आती है कि 720 रुपये। तो इसको मैं बेच देता हूँ। आया भाई चल तेरे मरने का टाइम आ गया भाई आ जा। अरे भाई आ ही नहीं रहे, ये तो बिल्कुल ढीठ बने हुए हैं यार। आ जा भाई जल्दी आ जा, यहीं पर मार दूंगा वरना मैं देख ले भाई तेरे को। आ जा भाई तेरा टाइम आ गया, पूरा हो गया तेरा टाइम। आ इसके अंदर बैठ जा, बैठ जा भाई इसमें। अरे भाई बिल्कुल ढीट पी गया यार ये तो। अबे इसमें बैठ जा ना, बैठ गया भाई ये तो बैठ गया। चलो एक काम करता हूँ, इसको दुकान पे जाके देख के आता हूँ कि कितने रुपए मिल रहे हैं इसके। और अंडे तो भाई इसके अंदर अंडे हैं ना 6, हाँ ये अंडे रख देता हूँ इसके अंदर। पहले रखो भाई अंडों को और ये इसको लगाओ साइड के अंदर ताकि फ्यूल कभी ख़त्म ही ना हो भाई अपना, और बना लेंगे अपने। ओ भाई ये देखो वो भाई पिक के अंदर का सीन दिख रहा है, ये देखो पिक के अंदर का सारा सिस्टम दिख रहा है भाई, सिर्फ बाल बाल दिख रहे हैं, पिक के अंदर तो कुछ है ही नहीं भाई, खाली है क्या पिक। चलो जल्दी चलते हैं शॉप के ऊपर, पहले मैं चलता हूँ बेस्ट बर्गर की दुकान पे, इसका मीट रखते हैं वहाँ पे, देखते हैं $720 का होगा तो मैं सारे मेल पिकों को ले जाऊँगा भाई। अगर ये $720 का हुआ तो अभी मैं सारे पिकों को बेच दूंगा और अपना जितना भी काम बाकी है ना भाई सारा काम कर दूंगा, गाय ले आऊँगा, विंड मिल कम्प्लीट कर दूंगा और ये जो चिकन वाला नया घर है वो भी कम्प्लीट कर दूंगा। पहले मेरे को देखना पड़ेगा भाई इसके कितने रुपये मिल रहे हैं मेरे को, और सेल होगी तो भाई इसको अभी बेच देंगे मज़ा आ जाएगा। अरे यार वो वाला दिन होता ना मेरे पास अगर, जिस दिन के अंदर मैंने वो बेचा था ना, अगर मैं सोने से पहले वापस चला जाता ना इन पिकों को बेचने के लिए तो बढ़िया डील मिल जाती मेरे को। यहाँ पे हिरण भी घूम रहा है लेकिन अब हिरण उरण का जुगाड़ नहीं करेंगे भाई अपने, हिरण से 3 मीट मिलता है अपने पास, सब बड़ा सिस्टम है भाई अपना, बड़ा सिस्टम चलता है फिलहाल। यहाँ पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कोई डील है या नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है बीफ मीट बॉल, अच्छा मीट बॉल है भाई यहाँ पे, चिकन मीट बॉल और चीज़। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाद में जब इसके पास मल्टीप्लाई रहेगा ना तब बेचेंगे इसको, फिलहाल मेरे को इसको पेलना पड़ेगा भाई इस पिक को। पहले मैं रिलोड कर लेता हूँ गन को, रिलोड हो जा भाई जल्दी से रिलोड हो जा गन। अरे हो जाए यार रात हो रही है जल्दी। हाँ ये लो भाई इस पिक का काम ख़त्म, धुआं निकला गन से और भाई इसको कर देते हैं मीट में कंप्लीट भाई। ये लो इस मीट को मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाए, और इसके अंदर भी पड़ा भाई काफ़ी सारा मीट, इसको भी सारे को यहाँ रखो, ये दो और पड़े हैं इसके अंदर। ये लो भाई और कितना पड़ा है यहाँ पे, एक पड़ा है यार, कम नहीं है ये मीट थोड़ा सा, मेरे को लग रहा कम है भाई उससे पहले वाले से। अब मेरे को मिल रहे हैं इसके $630 भाई, मैं कह रहा हूँ ना ये थोड़ा सा सस्ता हो गया यार, मतलब पिकों की हाइट अभी थोड़ी और बड़ी होगी, यानी कि पिक अभी थोड़े और बड़े हो सकते हैं, तो मैं काम कर, अरे रुको एक बार, रुको, अरे उतरना गाड़ी से, भाग जाएगा भाई वो भाग जाएगा। अरे मेरे गाड़ी की गोलियाँ लग रही है भाई, मैं सोचूं मर क्यों नहीं था वो। ये लो भाई उसको मार दिया मैंने, उसको बेचेंगे कभी और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं काम करता हूँ जल्दी से चलते हैं अपने जनरल स्टोर के ऊपर, और जनरल स्टोर पे गाइस गाय की कीमत देख के आते हैं। गाय की कीमत छोड़ो, पहले मैं काम करता हूँ मेटल खरीद के लेके आता हूँ, क्योंकि मेटल मेरे को ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। कहाँ गया मेरा हार्डवेयर स्टोर, ये थी भाई हार्डवेयर स्टोर, चलते हैं पहले इस तरफ है थोड़ा सा हार्डवेयर स्टोर, रस्ते में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। रात होने से पहले मेरे को सारा काम करना पड़ेगा भाई, रात होने वाली है 19:56 हो चुके हैं और इस बंदे का सोने का टाइम होता है 20 बजे भाई, तो अब सोने का टाइम तो इसका हो ही गया है, लेकिन अभी रात होने से जस्ट मतलब अंधेरा हो जाएगा पूरा, उससे पहले मेरे को जाना पड़ेगा। और चेक कर लेता हूँ गाइस मेटल मैं कितना खरीद सकता हूँ अभी, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं अभी, क्योंकि यार मैंने अगर मैं उस पिक को भी बेच देता ना तो मैं इसलिए मेटल खरीद सकता था, लेकिन यार अभी मेरे पास उसकी डील नहीं है, अगर डील आएगी ना बढ़िया तो ही मैं बेचूंगा उस वाले पिक को, और तब तक मैं सारे पिकों को कलेक्ट करके वहाँ पे रख दूंगा। यार इस गाड़ी के अंदर शायद तक 2 पिक ला सकता हूँ मैं एक बार में, और बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे यार, बड़ी गाड़ी से बाद में ज़्यादा पिक भी अपने ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ यार मेटल कितने रुपए का है, बहुत महंगा है यार मेटल तो मुझे पता ही है, $100 के 10 प्लेट है भाई, मैं खरीदता हूँ 500 का 50, $1000 होते ना मेरे पास तो मज़ा आ जाता यार, मैं खरीद सकता हूँ 50 मेटल खरीद सकता हूँ मैं। चलो ये खरीद लेता हूँ 50, इसको माइनस करता हूँ 3 हो गया भाई, ये एक ही खरीद सकता हूँ मैं। चलो गाइस इतना मेटल मैंने खरीद लिया है और अभी मेरे पास थोड़े बहुत रुपये बाकी हैं, तो मैं इसको जल्दी से रखता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, और अपना यार जो चिकन वाला फार्म है ना वो तो कंप्लीट हो जाएगा, और चिकनों को मैं शिफ्ट भी कर दूंगा वहाँ पे। पहले मैं चलता हूँ जल्दी से रेंच के ऊपर क्योंकि रात हो रही है भाई, जल्दी चलो यार क्योंकि बाद में इसमें भेड़िए बूढ़िए आ जाते हैं और भेड़िए पीछे पड़ के मार भी देते हैं भाई, और भालू भी घूमते रहते हैं इसके अंदर, भालू भी पेल देते हैं भाई बंदे को, इसलिए बंदा मर भी जाता है, गोली अगर किसी मेटल पे लग के वापस बैग आ जाती है ना तो भी मर जाता है भाई ये बंदा।
खतरनाक फिजिक्स चलती है भाई इस गेम के अंदर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने चलते हैं घर के ऊपर पहले और फिर सोते हैं। तो मैं काम करता हूँ, जो मैं मेटल खरीद के लाया हूँ भाई, 50 मेटल खरीद के लाया हूँ, तो उससे ये वाली चीज़ तो कंप्लीट हो ही जाएगी अपनी। होपफुली क्या भाई, हो ही जाएगी। तो ये लो भाई, अपना कंप्लीट हो गया, नए वाला चिकन का घर, और इसके अंदर खाने पीने का जुगाड़ बना दूंगा मैं उसकी तरह ही। और सारे पिगोंस को भी शिफ्ट करता हूँ, चिकन को शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये रख गया इसके अंदर मेटल, अब इसके अंदर और कितना मेटल चाहिए भाई, 65 मेटल लग गया अभी भी, इसके अंदर काफ़ी मेटल और चाहिए। कोई ना, आपने जब नया पिक भेजेंगे ना भाई तब खरीद लेंगे। और मैं देख के आता हूँ पिक्स का जो खाना है वो भरा है या नहीं भरा वापस से। और इस गोबर को पहले साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो भाई, गोबर थोड़ा सा साफ़ कर दिया, ये पड़ा है यहाँ पे थोड़ा सा। और इसमें कोई गोबर का काम नहीं होता क्या भाई, फर्टिलाइजर वगैरह बन जाता होगा इसमें गोबर का। भाई इसके अंदर देखो सिर्फ एक खाना बचा है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक खाना खत्म होने के बाद में अपने आप इसमें भरता है या नहीं भरता, वरना मुझे बार बार उसके अंदर भरना पड़ेगा, ग्रेनरी के अंदर से ही भरना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो वहाँ से भर दूंगा। बार बार इसके अंदर आके भरने से तो सही है भाई, ये बोरी लेके आओ दुकान से, बार बार बोरी भरो, उससे बढ़िया तो यही ठीक है इसके अंदर $200 डालो और फिर ऑटोमेटिक खाना भरते रहो। अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर 200 में से कितने डॉलर खाना बचा है। इसके अंदर बचा है, अरे लिख कर मेरा $172। तो अपने को ये वाला काम पूरा करना पड़ेगा, उससे पहले मैं काम करता हूँ चिकन्स का जो ये घर है इसके अंदर खाने और पीने का जुगाड़ बना देता हूँ। यहाँ पर मैं स्मॉल वाला ही बनाऊंगा क्योंकि चिकन्स को यार इतना ज़्यादा खाना पीना करते भी नहीं है वो चिकन्स, और अंडे भी कम ही देते हैं यार वो। चलो मैं खाने पीने का देखता हूँ कहाँ पे है, इसमें मिलेगा शायद तक, इसमें नहीं है भाई, इसमें मिलेगा खाने पीने का जुगाड़। ये रहा भाई, ये रहा स्मॉल फूड, फूड वाला मैं बनाऊंगा बिल्कुल इधर चिपका के बनाऊंगा भाई। अरे ये क्या हुआ, हाँ ये हो गया स्मॉल फूड वाला, और अब बनाएंगे स्मॉल वाटर बॉल। ये लो भाई, इसको बना देंगे यहाँ पे, तो फूड और वाटर दोनों साथ साथ बन गए अपने। और अब एक काम करता हूँ, लकड़ी ला के, लकड़ी मैंने काट के रखी है ना भाई, यहाँ पे काट के रखी हुई है लकड़ी, ये लकड़ी ले जाता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेता हूँ बार बार, अरे बार बार नहीं आना पड़ेगा यहाँ पे। तो बस पिकूंगा भाई, खाना खत्म होने के बाद मरना जाए वो, जितना जल्दी काम कर रहा हूँ मैं। अब मैं एक बार इस बास्केट को रख देता हूँ यहाँ पे, अंडे मैंने बेचे नहीं गए इसमें से, अरे अंडे नहीं बेचे यार मैंने। चलो कोई बात नहीं, जनरल स्टोर पे जाके देखेंगे इसमें से कोई फर्टिलाइजर या नहीं है, और भी ले जाएंगे कोई और अंडा निकलेगा तो। अरे इसको रखो ना, जल्दी रख, जल्दी रख। हाँ ये एक दो और तीन स्टैक, इससे मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए, तीन स्टैक से तो यार काम हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। और ये अंडे वाली बास्केट मैं वापस रख देता हूँ, लेकिन इसको रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ सेट, बिल्कुल साथ में चिपका देता हूँ, और अब आ जाएगी अंडे वाली भी अपनी। वैसे यार ये गाड़ी भी काफ़ी काम की है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर यार, इसलिए ये चीज़ बढ़िया लगी मेरे को। और नई गाड़ी लूँगा उसके अंदर पता नहीं कितना और स्पेस मिलेगा मेरे को, गाड़ी भी देखेंगे कितने रुपए की आती है, सब कुछ करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ इनका खाने पाने का जुगाड़, बस होपफुली इससे कंप्लीट हो जाए। हाँ भाई ये तो हो गया पूरा। और ये देखो भाई, इसके अंदर अपने आप फूड भी भर गया, ये देखो इसके अंदर फूड भी भर गया ऑटोमेटिक, साथ में से सात फूड हो गया ना इसके अंदर ऑटोमेटिक भर गया, ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगा। और मैं अब चेक करके आता हूँ पिक्स वाले घर का, कि उसके अंदर जो खाने वाला था वो अपने आप भरा या नहीं भरा बड़े वाला। बस भाई भर गया हो यार ये, अभी तक खाली नहीं हुआ ये, तो इन्होंने खाया ही नहीं भाई ये खाना। इनकी हेल्थ देख लेता हूँ भाई मैं, कहीं इनकी हेल्थ ना कम हो रही हो यार, इसके हेल्थ कैसे कम हो रखी है, इसने खा लिया, अरे भाई खा लिया खाना और भर भी गया इसके अंदर, चलो बढ़िया है। ये देखो भाई 21 में से 21 हो गया, अपने आप भर दिया इसने, यानी कि जीरो होने के बाद ऑटोमेटिक भर देता है। तो अपने विंडमिल भी अपने जुगाड़ पूरा करते हैं, इसका विंडमिल भी कम्प्लीट करते हैं। और पिकों को मैं देख लेता हूँ थोड़ा और बड़े हुए हैं या नहीं हुए, जल्दी बंद हो जा भाई गेट, पिक छोटे बच्चे भाग जाते हैं यार। अब मेरे को लगता है यार बड़े मेल पिक है क्या ये, अरे भाई अब मेल पिक बड़े हो गए काफ़ी है ना मेरे को लग रहा है, या फिर हो गए हैं भाई पता नहीं चल रहा मेरे को। ये रही फीमेल और ये रहा मेल, अभी भी थोड़ा सा छोटा तो लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भेज देंगे इनको भाई, वरना लैग शुरू हो जाएगा, ज़्यादा पिक हो गए ना यहाँ पे, इनकी संख्या अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई तो भाई लैग शुरू हो जाएगा, इसलिए इनको बेचना ही पड़ेगा इनको। अपनी गाड़ी कहाँ गई भाई, गाड़ी लेकर आता हूँ, और आज के दिन में शायद तक अपने पास नई सेल आ चुकी होगी, अपने चेक करेंगे कोई बढ़िया डील मिल रही है तो बेच देंगे इन पिकों के मीट को, वरना अपने भाई थोड़ा इंतजार ही करेंगे और बाद में कंप्लीट करेंगे उसको। ये लो भाई, इसको मैंने लगा दिया। अब एक काम करता हूँ, इसमें जो सामान है ना वो सारा वो निकाल देता हूँ, वरना फिट नहीं आएगा इसके अंदर पिक पूरा। और इसमें एक बास्केट है कि इसको मैं रख देता हूँ, और यहाँ पर ये भी निकालना पड़ता है भाई इसके लिए, ये नहीं निकालते ना तो बंदा बैठता ही नहीं है साइड में से, बताओ इसका कोई लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने जो मेल पिक कौन सा है भाई, ये अपना मेल पिक है ना, ये मेल पिक है, इसको डाल देता हूँ मैं, ये खड़ा है ये। चल भाई अंदर, अरे ये कैसे हुआ भाई, इसको तो मैंने निकाल दिया था ना लकड़ी को, लकड़ी को बाहर फेंको भाई, इसको बैठाओ अंदर, चल बैठ जा अंदर, मेल ही है ना भाई ये, मेल ही है, मेल ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक मेल पिक और ले जा, एक मेल पिक रखूँगा सिर्फ मैं इसके अंदर, इसमें से मेल कितने हैं, और ये भी मेल है ये भाई, ये भी मेल है, और ये फीमेल है, यानी कि अपने पास दो मेल पिक और बचे हैं, एक ये रही, ये तो फीमेल है, और दो मेल और दो फीमेल बची है। अब मैं काम करता हूँ एक मेल पिक को ले जाता हूँ, ये लो भाई, चल बैठ जा भाई तू भी, ये लो भाई दो मेल पिक और फिट आ गए इसके अंदर,
और एकदम धंधा चलाएंगे भाई इनका। अरे बंद हो जा। चलो भाई इनको अपने लेके चलेंगे दुकान पे और बढ़िया तरीके से बेचेंगे भाई, जब बढ़िया सेल मिलेगी ना तब बेचेंगे। एक वीडियो एंगल कैसे बदलता है भाई? अच्छा हाँ बदल गया। तो मेरे को इनको बेचना है भाई। हेलो 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 तो गाइज अभी मैं दोनों पिग्स को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और इन दोनों पिगों को भी मैं बेच दूंगा साथ में ही भाई। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मीट हो चुका हो जाएगा मेरे हिसाब से इनका, लेकिन अभी तक यार कोई डील नहीं आई है इनकी। देखो पोर्क का मीट बॉल है, यानी कि इनकी अगर मैं मीट बॉल बना के बेचूँ ना तो मेरे को मिलेगा इनको यार, थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरे को सिस्टम थोड़ा। तो मैं बाद में बनाऊँगा मीट बॉल वगैरह, अभी नहीं खरीदूँगा वो मैं। यहाँ पर बीफ और कर्ड यानी दही भी बेच सकते हैं भाई, और बीफ तो यार मैं नहीं बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पहले इनको पेलना पड़ेगा भाई, इन पिगों को भाई तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा मेरे को। संस्कार तो मैं नहीं करूँगा, तुमको बेच ही दूंगा भाई सीधा। एक काम करता हूँ, गन को पहले भाई रीलोड करना पड़ेगा यार। गन को रीलोड करने की कोई ट्रिक नहीं है क्या? बढ़िया सी होगी भाई रीलोड यार। एक पिग गया और ये गया दूसरा पिग। ये लो भाई दोनों पिगों को पेल दिया, इनका मीट करो यहाँ पे, स्किन करो और इसको रखो यहाँ पे, सारे मीट को नीचे गिराओ भाई। दो तीन मीट साइड में भी पड़ा है उसको भी रख देता हूँ, वरना इसकी प्राइस ही काउंट नहीं होगी यार। ये लो भाई सारा मीट आ गया अपने पास, और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कितनी एक बार इसकी कीमत है टोटल। तो मेरे को मिल रहे हैं पूरे $2000, मतलब $2000 से $50 कम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। थोड़ा सा एक बार खरीदूंगा पानी ये वाला, ये लूगली वाला पानी, और बाकी बाद में मैं वो कंप्लीट कर दूंगा अपना, तो उसके बाद में मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने गाइजी वाला काम भी शुरू करेंगे, टोमेटो स्ट्रॉबेरी पम्पकिन उगाने वाला काम भी सारा शुरू करेंगे एग्रीकल्चर वाला। और यहाँ पर एग्रीकल्चर मेडिसिन ये यहाँ पे सब कुछ पड़ा है, यहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह, तो ये सब भी खरीदेंगे यार। पहले मैं ये वाला सामान खरीद देता हूँ सारा, $70 का सामान था, अभी मेरे पास शायद $200 और पड़े हैं, तो इसको मैं पहले रख देता हूँ पानी की बोतल को भाई, क्योंकि पानी यार खत्म हो गया बिल्कुल भी मेरे पास। और एक गोलियाँ मैंने कलेक्ट कर लिया सारी, अपने चलते हैं रेंज के ऊपर, पिकों को शिफ्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पानी भरना पड़ेगा भाई मेरे को सारों में। मेरे को लगा बाहर भाग गया ये, एक जना को बाहर, अगर एक भी जना बाहर चला जाता ना इसमें से तो भाई पूरी दिक्कत आ जाती इनको अंदर डालने के अंदर भाई। एक को अंदर डालने जाता हूँ तो दो और बाहर आ जाते हैं। तो एक बार मैं काम करता हूँ, ये वाला काम करता हूँ पूरा कंप्लीट चिकन वाला, और फिर देखेंगे गाय गोई का सिस्टम क्या है। तो पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितनी सारी मुर्गियाँ रखी है, ज़्यादा तो नहीं है यार यहाँ पे मुर्गियाँ, लेकिन एक एक करके इनको शिफ्ट कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारों को साथ में नहीं करूँगा भाई, भाग जाएगा कोई एक आधा इसमें से। चलो भाई मुर्गी तेरे नए करके अंदर शिफ्ट करता हूँ तेरे को भाई, देख ले तू भी दुनिया थोड़ी देर। ये ले तेरे को थोड़ी देर खुला छोड़ देता हूँ यहाँ पे चारों तरफ, ले ले थोड़ी सी हवा ले ले भाई खुली, इसके बाद मैं तेरे को वापस कैद करूँगा मैं। चलो बहुत टाइम हो गया बस, इतना टाइम बहुत है काफ़ी तरह घूमने के लिए। इसको मैं वापस रख देता हूँ भाई अंदर, चल तू बंद हो जा यहाँ पे। और अब मैं नहीं तेरे लेके आता हूँ भाई, तेरे यार दोस्तों को लेके आता हूँ, सारों को, सारों में चेक कर लेता हूँ मैं बस सारे डोर के अंदर। इसमें भी नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अंडे खत्म हो गए सारे, और गोबर को मैं पहले साफ ही कर देता हूँ, वरना भाई कोई ग्लिच ना हो जाए कहीं पे। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, ये लो भाई गोबर गया सारा, ये लो खत्म गोबर। लेकिन खाना वेस्ट, अरे खाना तो वैसे ही जीरो था भाई, चलो बढ़िया खाना जीरो था, और पानी थोड़ा बहुत पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है, ये अपना पहला बिल्ड था अपने गेम का, और पहला बिल्ड भाई तोड़ने में थोड़ा दुख तो हो रहा है, लेकिन कोई तोड़ना तो पड़ेगा भाई अब। ये लो भाई तोड़ दिया भाई, लकड़ी भी मिली है और थोड़ा सा मेटल भी मिला है। अच्छा इसको भी तोड़ दूं क्या? ये लो इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया। चलो लकड़ी भाई, चलो बढ़िया, तीन स्टैक लकड़ी मिल गई अपने को, तीन चार स्टैक मिल गई शायद तक। तू भी कलेक्ट हो जा भाई, ये लो उन्होंने दे दिया भाई, बहुत है, मेरे को लगा देंगे भी नहीं भाई ये। इसके अंदर अभी और मेटल चाहिए। तो अब मैं गाइस रात होने वाली है गेम के अंदर, और रात होने के बाद मैं सुबह देख के आऊँगा वापस प्राइस क्या है। एक काम करता हूँ लकड़ी को सारों को इकट्ठा कर देता हूँ यहाँ पे। मैं वापस आ चुका हूँ गाइस बेस्ट बर्गर की दुकान पे आज देखने के लिए कि आज कोई डील वाला ऑफर आया या नहीं आया, और आज कोई डील का ऑफर आया हो या नहीं आया हो मैं सोच रहा हूँ तो बेच ही दूँ यार, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कर्ड पोर्क मीट बॉल चिकन मीट बॉल भाई नहीं आया यार, पोर्क का मीट बॉल क्या ऑप्शन आ रखा है। और यहाँ पर भाई मेरे को $1995 मिल रहे हैं यार, तो मैं सोच रहा हूँ इसको बेच ही देता हूँ, या तो क्या करूँ भाई, बेचूँ या ना बेचूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में बेच देंगे यार, अगली बार बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस मीट को मैं सोच रहा हूँ यार ज़्यादा रेट मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अपने यार कम रेट के अंदर बेच देंगे तो अपना बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखो नए बच्चे और आ चुके हैं पिक्स के, ये देखो भाई ये रहा नया बच्चा, ये नया बच्चा है देखो, इसकी हाइट देखो थोड़ी छोटी है ना, इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, जो पहले हुए थे उनकी हाइट ये देखो, इसके कंपैरिजन में देखो ये थोड़ा बड़ा है, तो यानी कि ये वाले बच्चे अभी नए आए हैं फिर से। और यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे भाई, ये देखो कितने बच्चे हो गए यहाँ पे, ये देखो ये बच्चे हैं सारे, ये रे ये रे ये रे
यहाँ से यहाँ तक और वहाँ पर भी, भाई चारों तरफ बच्चे हो चुके हैं मेरे पास, तो अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और भी मेरे ख्याल से एक और, मतलब एक और जो फीमेल पिक है उसके अंदर भी बच्चे हैं शायद तक, तो अब अपने पास गाइस पिक्स की कोई भी कमी नहीं है और अगले एपिसोड के अंदर अपने बेच देंगे चाहे सेल आए चाहे ना आए। गाइस आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को गाइस लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।